नितिन गडकरी उन्होंने दी 2 वर्षों तक की गारंटी। अयोध्या बरसात के पहले बनाए रास्ते बरसात शुरू होते ही पर गड्ढे गिरने लगते हैं। बरसात में कोंकण में जाने वाले कोंकणी लोग मुंबई गोवा महामार्ग पर गिरे हुए गड्ढों से परेशान है। महसूल मंत्री हर साल गणपति से पहले इस महामार्ग पर गड्ढे बंद कर दिए जाएंगे ऐसे आश्वासन हर साल देते हैं। मुंबई के रास्ते के गड्ढे तो हमेशा ही परेशान करते हैं। ऐसी बड़ी स्थिति में केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी जिन्होंने मोदी सरकार के समय में तैयार किए गए रास्तों की तब्बल 200 वर्षों की गारंटी दी है। इन रास्तों पर 200 वर्षों तक गड्ढे नहीं पड़ेंगे ऐसा दावा उन्होंने किया है। रास्ते तैयार करते समय हम गुणवत्ताओं के साथ ठेकेदारों के साथ किसी भी बात में तोड़ जोड़ नहीं करेंगे, जिसके कारण पीएम मोदी के सत्ताकाल में बनाए गए रास्ते लंबे समय तक टिके रहेंगे ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वह हमने 5 वर्षों में किया है ऐसा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस को ताना मारा है। नितिन गडकरी इन्होंने शुक्रवार को 5 प्रकल्पों के भूमि पूजन किए। यह कार्यक्रम GIC मैदान पर आयोजित करने में आया था। रास्ते सीमेंट कॉन्क्रीट के तैयार हो रहे हैं। रास्तों पर 200 वर्षों तक गड्ढे नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम कोई भी तोड़ जोड़ नहीं करेंगे ऐसा गडकरी उन्होंने कहा। अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, मैंने जो घोषणा की वह काम करने के लिए मैं आया हूँ। अब जो भूमि पूजन हुआ है उसका काम आने वाले 2 महीने में शुरू होगा ऐसा भी उन्होंने कहा। अयोध्या में विविध प्रकल्पों का भूमि पूजन करने वाले नितिन गडकरी इन्होंने राम मंदिर पर कुछ नहीं कहा है, उन्होंने केवल विकास काम पर ही भाषण दिया है, महामार्ग तैयार करने का आदेश दिया है और अयोध्या में 5 नालों की STP के मदद से सफाई करने में आएगी ऐसा गडकरी इन्होंने कहा। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज़। एक खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।